दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आधार कहां कहां यूज हो रहा है और उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। आप ये जान सकते हैं कि कहां कहां पर आपने बायोमेट्रिक यूज किया है, कहां पे आपका ओटीपी यूज किया है। मान लीजिए आपका कोई बैंक का ओटीपी आया है या मान लीजिए कोई आपने बायोमेट्रिक यूज किया है, तो पूरी हिस्ट्री हर तरह की जानकारी आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड की हिस्ट्री क्या क्या है। मान लीजिए कब कब आपने अपना आधार कार्ड यूज़ किया है, ये सिक्योरिटी के पर्पस से भी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से खास लोग होते हैं, ये सिक्योरिटी उन्हें रखनी होती है अपने आधार कार्ड से संबंधित जानकारी के लिए। तो दोस्तों हम आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड की फुल डिटेल यानी कि जो हिस्ट्री है वो जान सकते हैं। तो ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए हम आपको ले चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों हम आगे अपने क्रोम ब्राउजर पर यहाँ हम टाइप करेंगे माई आधार टाइप करने के बाद आपके सामने जैसे इंटरफेस आ जाएगा, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये मतलब होम पेज है। उसके बाद नीचे एक काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं यहाँ पर, गेट आधार और अपडेट आधार, आधार सर्विसेज, कई सारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको आधार सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आधार सर्विसेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएंगे, वहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और सबसे नीचे जब आएंगे तो आपको ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, यानी कि हमें हिस्ट्री चेक करनी, जैसा कि मैं बता रहा था। तो आपका यही के जो काम का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड डालना होगा और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा भी डालना होगा, उसके बाद फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपको ये जो है सबमिट कर देना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैप्चा और आधार कार्ड डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आधार कार्ड और कैप्चा यहाँ पर डाल लिया है, उसके बाद हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं ओटीपी सेंड हो जाता है, तो मैं ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन टाइप, यानी कि आप अलग अलग भी देख सकते हैं, आप डेमोग्राफिक भी देख सकते हैं, बायोमेट्रिक भी देख सकते हैं, ओटीपी भी देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं वो भी देख सकते हैं, यानी कि सिंगल भी सकते हैं आप, डबल भी सकते हैं, लेकिन हमें सभी पर देखना है। तो हम ऑल पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर जो डेट है यानी कि सेलेक्ट और लास्ट की जो डेट है वहाँ पर आपको डेट भी चुन लेनी है, किस वक्त का आपको हिस्ट्री या डेटा आपको निकालना है। और यहाँ पर जो नंबर आप रिकॉर्ड है यानी कि मैक्सिमम 50 देख सकते हैं, और आप टोटल यानी कि 50 आप उससे कम देखना चाहते हैं तो आप उसकी गिनती यहाँ पर कम भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पाँचवें महीने से और छठे महीने तक की डेट चुन ली है, यानी कि लगभग मैंने एक महीने की डेट चुन ली है। आप कोई भी डेट यहाँ पर चुन सकते हो और उसके बाद रिकॉर्ड यहाँ पर डालने हैं, तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम जो है 50 रिकॉर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है, जो ओटीपी आपके पास आया था। उसके बाद सारी डेट डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने जैसे इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर ये सारी डिटेल आ चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है। उसके बाद नीचे भी पूरा टाइप दे रखा है, नीचे भी मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी और उसके बाद बायोमेट्रिक किस डेट में कितना यूज़ हुआ, सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, कोड भी आ जाती है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी भी आ जाती है। यहाँ पर सारी डिटेल आपको शो हो रही है, आप देख सकते हैं किस टाइम पर किस समय आपने ओटीपी यूज़ किया है, बायोमेट्रिक यूज़ किया है, और उसके बाद सारी डिटेल यहाँ पर आपकी शो हो जाती है। पूरे महीने मैंने केवल 20 यहाँ पर ये 20 ऑप्शन आए हैं कि जो भी मैंने डेट डाली थी तो उसमें 20 ऑप्शन आ चुके हैं, मैक्सिमम 50 डाले थे। सारी डिटेल कि आपने कब क्या यूज़ किया था, सारी डिटेल यहाँ पर आपकी शो हो जाती है कि आपने ओटीपी कब यूज़ किया। उसके बाद आप पर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सारी डिटेल की कितनी बार ओटीपी, कई बार ओटीपी यूज़ किया, फिर बायोमेट्रिक यूज़ किया गया, उसकी डेट भी यहाँ पर दे रखी है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इजीली आप यहां पर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों इस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड की पूरी डिटेल क्या है, हिस्ट्री क्या है, और किस तरह से आप उसको देख सकते हैं कि हमने कब कब उसका यूज़ किया, फुल टाइमिंग के साथ आपको सब कुछ पूरी डिटेल दिख जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो ऐसे ही सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।